हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह एक नया वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। आज एक फूड व्लॉग है और बहुत दिन से बहुत लोगों ने बोला था, इसलिए ये वाला व्लॉग बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी, जो कि सबका फेवरेट है। मतलब जितने भी नॉन वेज लवर्स हैं उनका तो कन्फर्म है कि फेवरेट है। तो आज वाला वीडियो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगे, और फटाफट से रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों। तो बिरयानी बनाने के लिए दोस्तों आपको एक साथ बहुत सारे मल्टीपर्पज़ काम करने पड़ेंगे। तो मैं लाइन से देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारा काम करके रखी हुई हूँ अभी। तो बताते जाती हूँ मैंने क्या क्या करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने लिया 1/2 kg चिकन, क्योंकि जितना आप चिकन ले रहे हो उतना ही आपको राइस लेना, तो मैंने सेम क्वांटिटी का लिया है। यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है प्याज, थोड़ा एक एक प्याज लीजिएगा मीडियम साइज़ का, एक लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी सौंफ, ज़ीरा और चार पांच हरी मिर्च, ये सारे लेके मैंने इसका मैरिनेशन के लिए पेस्ट तैयार कर लिया है। तेल मैंने यहाँ पर गर्म करके रखा है, जो मेरी प्याज है जो मैंने स्लाइस करके रखा है उसके लिए। ये मैं तल लूँगी अभी, क्योंकि तला हुआ प्याज डलता है बिरयानी में, तो सबसे पहला प्रोसेस वही होता है। मैरिनेशन में भी डलेगा, इसलिए सबसे पहले मैंने प्याज तलने के लिए रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया है। साथ में ये है बॉयल करने के लिए वाटर, मैंने इसको भी अभी चढ़ा दिया है। बॉयल आएगा फिर मैं इसमें राइस सोक कर, जो मैंने राइस सोक करके रखा है वो इसमें ऐड करूंगी, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है 1/2 kg राइस सोक करके रख दिया है, ये लगभग आधे से एक घंटा सोक करके पहले से रख दीजिएगा। तुरंत करने से उतनी अच्छी बिरयानी नहीं बनेगी। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बिरयानी के लिए आप चावल तैयार करें उसके लिए पहले से ही लगभग एक घंटे पहले आप चावल सो करके रख दीजिएगा। तो जैसे ही पानी में बॉईल आएगा फिर मैं इसमें एक चम्मच घी ऐड करूंगी, थोड़े से स्पाइसेस और नींबू, एक नींबू का रस, जो नींबू का रस यूज करने के बाद जो छिलका बचेगा ना मैं वो ऐड करूंगी, ताकि चावल बहुत खिले खिले बनेंगे और अच्छे खूबसूरत लगते हैं। तो वो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे बॉईल होगा फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी, ताकि यहाँ पे मेरा चावल रेडी हो जाए। तेल मेरा अब गर्म हो चुका है, तो मैं फटाफट से प्याज तल लेती हूँ और फिर मैं मैरिनेशन का जो रेसिपी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं दो बार में करके जो सारी प्याज मैंने कट करके रखी हुई थी, यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़ी प्याज ली है। इसको मैंने अच्छे से, मतलब मैं अभी 1 किलो का बिरयानी बना रही हूँ, 1/2 किलो राइस, 1/2 किलो चावल, तो उसके लिए मैं 4 से 5 प्याज लिया है मैंने। आप चाहो तो सेम 1/2 kg प्याज भी डाल सकते हो अगर आपको ज़्यादा मसाले वाली पसंद है तो। मैं यहाँ पर लगभग 300 ग्राम से 350 ग्राम के लगभग प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नारियल भी इसमें ऐड कर रही हूँ, घी जो मेरा मैरिनेशन है उसमें, तो वो थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा, तो मैं इसलिए प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी बट डालूँगी। तो प्याज जैसे ही लाल होती है उसके बाद हम मैरिनेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज अब लाल होने चालू हो चुकी है। आपको लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज को अच्छे से फ्राई होने के लिए, और प्याज को हमेशा तेज़ आंच में करिएगा। हाँ, पर बिल्कुल सामने खड़े होके करिएगा, ज़्यादा अगर लेट किए तो वो जल जाएगी, तो उसका ध्यान आपको रखना है और बीच बीच में चलाते रहना है। तो ये देखिए दोस्तों, एक बार का जो प्याज है ना वो अच्छे से फ्राई हो गई है हमारी, और इसको हम लोग हल्का सा सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और सेकेंड बार की ये हमारी प्याज अभी तलने के लिए चढ़ चुकी है। तो जो टिप्स मैं आप लोगों को प्याज तलने के टाइम पे दूंगी, प्याज जो है वो तलने के बाद भी हल्की हल्की अपने में ही कुक होते रहती है, तो आप बहुत ज़्यादा लाल मत करिएगा, क्योंकि फिर वो ना बिल्कुल काली लगेगी, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप प्याज को फ्राई करेंगे तो उसको चलाते रहिएगा, ताकि हर तरफ से इक्वली ये ब्राउन हो जाए, और साथ ही साथ जब भी आप इसको फ्राई करें तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन आपको लगने लगे तो आप इसको
निकाल लीजिएगा, नहीं तो ऐसा होगा कि आप फ्राई करोगे उसी समय अगर लाल ज़्यादा हो जाती है तो निकालने पे वो पूरी काली हो जाएगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी आपके जो मैरिनेशन का बैटर है ना वो बहुत अच्छा बनेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो जैसे हमारा प्याज अभी लाल हो रहा है, तब तक मैं जो पानी था ना उसमें भी बॉयल आ गया है, तो मैं उसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा घी। घी से मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में, तो वो आप घी ही यूज करिएगा तेल की जगह, तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 चम्मच के लगभग घी, इसको मैं पानी में मिला देती हूँ। और इसमें मैं ऐड करूँगी राइस के साथ नींबू का छिलका। तो वापस इस सेकंड लॉट की जो प्याज थी वो भी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इससे ज़्यादा भी मैं फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैं निकाल लूँगी। तो जितनी प्याज थी मैंने 4 से 5 प्याज ली थी, वो सारी मैंने इसको तल के निकाल ली है। इसको मैं अभी ठंडा होने के लिए रख देती हूँ ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद फिर मैरिनेशन में इसको हम लोग ऐड करेंगे। वो कैसे कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। उसके बाद जो हमारे पास ये राइस के लिए बॉटल है वो प्रॉपर अभी उबाल आ गया, इसमें मैं चावल ऐड करती हूँ। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग राइस ऐड कर देंगे और इसको लगभग 70-80% पकने देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग मैरिनेशन का काम चालू करते हैं। हमने प्याज पूरा तल के अलग कर लिया है, अब यहाँ पे चावल जो है वो भी बॉईल के लिए रख दिया है। जो मैरिनेशन था उसमें क्या क्या मैंने डाला है वो मैं आपको बता रही हूँ एक बार वापस से। इसमें मैंने डाला है जीरा, सौंफ 1-1 चम्मच के आसपास, एक प्याज मीडियम वाली, अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा नारियल का बुरादा, मतलब नारियल मैंने ये पूरी नारियल मैंने ली थी, ये इसका मैंने लगभग 1/4 पूरे नारियल का 1/4 मैंने इसमें डाला है। तो इसका ग्रेवी जो है ना वो बहुत रिच बनता है जब आप ताज़ा नारियल इसमें ऐड करते हो। तो इसमें मैं ग्रेवी बना रही हूँ। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले चिकन में मैंने डाल दिया है जो मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स को अभी पीस के रखा था वो सारा इसमें मैं ऐड करूँगी। उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ और क्या क्या ऐड करूँगी वो मैं आप लोग को बताते जाती हूँ। इसके बाद ये मैंने धनिया लिया हुआ है चॉप करके, थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ और बाकी मैं इसमें मैरिनेशन में डाल रही हूँ। बाद में हम लोग उसको जब सारा चीज़ को लास्ट में डेकोरेट करेंगे उस समय यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पुदीने का पत्ता, पुदीने का पत्ता से खुशबू बड़ी अच्छी आती है इसलिए मैं यहाँ पे पुदीने का पत्ता ऐड कर रही हूँ, और एक नींबू ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, वो भी मैं फटाफट से दिखाते जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आधा नींबू का रस इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा हम लोग दही बेस में ऐड करेंगे। नींबू का रस निकालने के बाद छिलके को फेंकिएगा मत, इसको आप चावल में ऐड कर लीजिएगा ताकि चावल बिल्कुल खिला खिला बने, चिपकेगा नहीं इससे। लास्ट में हम लोग इसको निकाल देंगे, बट अभी के लिए इसको हम लोग, हालांकि घी हमने डाला है फिर भी एक जो चावल है ना वो बहुत अच्छे से बनता है, इसलिए मैं एक नींबू का हमेशा छिलका जो है वो डाल देती हूँ, लास्ट में हम लोग निकालेंगे इसको। तो ये देखिए दोस्तों चावल हमारा बहुत अच्छा से बॉईल हो चुका है, इसको मैं स्ट्रेनर में निकाल देती हूँ ताकि पानी सारा अलग हो जाए और इसको फिर हम लोग ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मसाले में सबसे पहले मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिया है, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा फूड कलर, मेरे पास ऑरेंज वाला है वो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, कलर अच्छा आता है उससे चिकन में। तो सारे मसाले डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी दही,
दही आप लगभग आधी कटोरी इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग सारे मसाले को अच्छे से चिकन में मैरिनेट करके मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो केवरा वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हो, खुशबू अच्छी आती है बिल्कुल दुकान वाले चिकन के जैसी, मतलब जैसे वहां पे आपको बिरयानी मिलती है एग्जैक्टली वैसे आपको लगेगा। पर अभी फिलहाल के लिए मेरे पास केवड़ा वाटर नहीं है तो मैं केवड़ा वाटर नहीं डाल रही हूँ, आप लोग बिल्कुल डाल सकते हैं और अच्छी बनेगी और अच्छी खुशबू आएगी। तो दोस्तों सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर दी हैं, अब लास्ट में जो ये प्याज मैंने तल के रखा था इसका हाफ प्याज मैं इसमें मिला दूंगी, बाकी का जो हाफ है वो ऊपर गार्निशिंग के टाइम पे यूज करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ 1 किलो का ही बना रही हूँ, उस हिसाब से ही मैंने सारा चीज लिया है। आप लोग जितना बनाएंगे आप उसके अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने आधी प्याज रख दी है, आधी से थोड़ी ज्यादा प्याज इसमें मैरिनेशन में मिला दिया है। तो दोस्तों मैंने सारे मिक्सचर को अच्छे से जो चिकन है उसमें अच्छे से मैरिनेशन कर दिया है। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे 4-5 घंटे के लिए। आप जितनी देर के लिए भी चिकन छोड़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा मॉइस्चर कंटेंट आता है बिरयानी में, तो वो आप अपने हिसाब से टाइम जो भी आपके पास, अगर बहुत जल्दी है या आपके पास समय उसके अकॉर्डिंग आप इसको वेरी कर सकते हो। पर सिर्फ एज अ टिप मैं यही बोलूंगी कि चिकन को जितना देर तक मैरिनेशन में रखोगे चिकन उतना ही अच्छा जो मॉइस्चर कंटेंट उसमें रहता है बहुत अच्छा बनता है बिरयानी, तो ये वाला टिप आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों जो हमारा चिकन है वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, अभी मैं कुकर में ही बना रही हूँ। इसमें भी बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बन जाता है। और जो आज मैंने चिकन लिया है वो देसी है तो थोड़ा टाइम लगता है बनने में, इसलिए मैं कुकर पे ही ट्राई कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मेहनत नहीं लगे। तो इसको 2 विसल तक मैं इसमें अच्छे से पका लूँगी। तो हीट हो गया है पैन, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच घी और थोड़ा सा तेल, दोनों मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे हीट होने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल और 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से गर्म हो जाने देती हूँ, फिर इसमें मैं खड़े मसाले ऐड करूँगी और उसके बाद जो हमारा मैरिनेशन है वो। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 तेज पत्ता, 1 इलायची बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, कुछ गोल मिर्च। इसको मैं इसमें अच्छे से थोड़ा सा चटक जाने देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो मैरिनेशन है वो ऐड करूँगी। तो ये अब हल्का हल्का सा चटकना चालू हो चुका है, अब इसमें मैं मैरिनेशन जो है वो ऐड करते जाऊँगी। थोड़ा करके मैं इसको मैरिनेशन ऐड कर रही हूँ और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो चिकन को मैं अच्छे से जो तेल है उसमें मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसको हम लोग लगभग 2 सीटी के लिए धीमी आंच में पकाएंगे। अगर आप कुकर में नहीं बना रहे हो कढ़ाई में बना रहे हो तो कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए धीमी आंच में इसको पकने दीजिएगा ताकि जितने भी तेल है ना वो ऊज आउट हो जाए। तो आप लोग को वो ध्यान रखना है और उसके बाद फिर हम लोग इसका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, जो बिरयानी का प्रोसीजर है, वो मैं आप लोग को शेयर करूँगी। तो चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको मैं धीमी आंच में 2 सीटी के लिए रख दूंगी और उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। तो दोस्तों बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, 2 विसल हो चुकी है और ये देखिए सीटी अभी बंद हो चुकी है। तो फटाफट से हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं ये चिकन का अभी क्या स्टेटस है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने अभी जस्ट ओपन किया इसको, अब अभी धुआं काफी ज्यादा है। तो चिकन जो है वो हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है, जो तेल है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो चिकन अच्छे से कुक हो चुका है,
अब इसमें मैं ऐड करूंगी राइस। उसके पहले यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया है, इसी में मैंने थोड़ा सा सैफरन और केवड़ा वाटर भी ऐड कर दिया है। आप अलग अलग से भी कर सकते हो, मैं एक ही साथ ही सारा ऐड कर दूँगी, क्योंकि एक बार में वो मैं ऐड कर दूंगी अपने राइस में। तो जो बिरयानी के लिए हमारा चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड करती हूँ। तो दोस्तों चिकन में अब हम लोग बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। थोड़ा सा पुदीना, प्याज, धनिया, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी राइस। राइस जो है वो कुक हो चुके हैं और बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं, ये देखिए। तो अभी इसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, चावल जो है मैंने जो सब्जी थी ना उसके ऊपर सारा अच्छे से बैलेंस कर दिया है। अब इसमें जो हमारे प्याज और धनिया और पुदीने का मिक्सचर है वो मैं वापस से एक और लेयर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा केवड़ा वाटर, फूड कलर जो मैंने ये रखा है, ये हम लोग अच्छे से डाल देंगे बिरयानी में। येलो कलर अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं वो डालती। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ रेड कलर जो मेरे पास अभी अवेलेबल था, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो। उसके साथ थोड़ा सा घी इसमें मैं ऊपर से डालूँगी, और फिर एक सीटी होने से पहले पहले इसको मैं दम में करके बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैंने घी का इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको फटाफट से चढ़ा देते हैं और उसके बाद एंड रिजल्ट मैं आप लोग को दिखाती हूँ। दोस्तों अभी हम लोग बना लेते हैं फटाफट से रायता, दही का रायता जो कि हम लोग बिरयानी के साथ सर्व करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है पुदीना, धनिया पत्ती, ये मिर्च, दो मिर्च ले रही हूँ मैं, उसके साथ दही। दही के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर। फिर इसको हम लोग हल्का सा पानी डाल के पीस लेंगे। मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ, फ्लेवर अच्छा आएगा। तो ज़ीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, ये सारा चीज़ मैंने ऐड कर दिया है। फटाफट से थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ मिक्सचर में। सो फाइनली दोस्तों हमारी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। तो इसका कैसा है लुक वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अंदर का हाल क्या है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, बिरयानी कभी भी आप निकालें ना तो एक साइड से निकालिएगा ताकि पूरी बिरयानी ख़राब ना हो। तो निकाल के मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारी गर्मा गर्म बिरयानी, साथ में है रायता, सलाद और पापड़। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बिरयानी के साथ। कैसा लगा आपको आज का बिरयानी का रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।